कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में नए साल के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं इंदौर में व्यावसायिक स्थल, बाजार और होटल खुल सकेंगे, साथ ही साथ आयोजन में ढील बरती गई है। वहीं कोचिंग संचालकों को कोचिंग संचालन की छूट दी गई है। दरअसल कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के बाद अब जिला प्रशासन ने शहर से रात का कर्फ्यू हटा लिया है। इस संबंध में मनीष सिंह कलेक्टर ने धारा 144 के तहत रविवार को आदेश जारी किया। नए साल की गाइडलाइन के मुताबिक न्यू ईयर की पार्टी के लिए होटल बार अपनी 50% बैठक क्षमता के साथ 31 दिसंबर का आयोजन कर सकेंगे। वहीं बार में एक साथ 50% क्षमता के साथ बैठने की व्यवस्था होगी। हालांकि इसके लिए होटल बार में डीजे और डिस्को नहीं लगाए जाएंगे। संगीत की व्यवस्था होटल बार कर सकेंगे। इसके साथ ही बार में 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं का प्रवेश निषेध रहेगा। वहीं आबकारी टीम यह सुनिश्चित करेगी कि बार लाइसेंस के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है या नहीं। ऐसा नहीं होने की स्थिति में बार का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इसके अलावा बड़े होटलों में बड़ा आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही शहर में ऐसा आयोजन नहीं किया जाएगा जिसमें अलग से टिकट की व्यवस्था हो, और ना ही बाहर से कलाकारों को बुलाकर कार्यक्रम किए जाएंगे। इंदौर कलेक्टर के आदेश के मुताबिक शहर में कोचिंग संचालन को मंजूरी दी गई है, जहां कोचिंग संचालक 50% क्षमता के साथ कोचिंग संचालित करेंगे। वहीं कोचिंग आने से पहले छात्रों को पालकों की अनुमति लेनी होगी। बता दें कि शहर में कोरोना से राहत का सिलसिला जारी है। रविवार को दूसरे दिन 24 घंटे के दौरान मिलने वाले संक्रमितों की संख्या 300 से कम रही है। राहत की बात यह है कि शहर में रिकवरी रेट 92% से ज़्यादा हो गई है। शहर में अब तक 54,203 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 50,113 मरीज ठीक होकर बीमारी को हरा चुके हैं। रविवार को भी 361 मरीज ठीक हुए हैं।